सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेलेस्टो। कल का डायनामाइट का एपिसोड, साल का फर्स्ट डायनामाइट का एपिसोड होने वाला है। और गाइज, सिन रॉस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि कल के डायनामाइट के एपिसोड में हमें डबल डेब्यू देखने को मिल सकता है, या तो डॉफ जिगलर का या तो मर्सिडीज होने का। तो गाइज, डॉफ जिगलर का कैसे कल के AEW डायनामाइट के एपिसोड में डेब्यू होने वाला है, तो इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। और चलिए सेलेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि साल 2023 में WWE अपनी कंपनी से काफ़ी सारे सुपरस्टार को बाहर करती है। लगभग 12 से 15 सुपरस्टार को WWE अपनी कंपनी से बाहर करती है, जिसमें डॉब जिगलर का भी नाम निकल के आता है। डॉब जिगलर वो सुपरस्टार थे जो कि WWE के लिए लगभग 15 साल से भी ऊपर के लिए काम कर चुके थे। इसके बावजूद भी WWE डॉब जिगलर को अपनी कंपनी से बाहर कर देती है। दिसंबर के मंथ में, यानी कि 2023 के दिसंबर के मंथ में, डॉब जिगलर एक फ्री एजेंट सुपरस्टार हो जाते हैं। राइट नाउ रेसलिंग इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े फ्री एजेंट सुपरस्टार हैं। और WWE के साथ जो 90 डे का नॉन कंप्लीट क्लॉज है वो खत्म हो चुका है। यानी कि गाइस, WWE किसी सुपरस्टार को अपने कंपनी से रिलीज करती है तो 3 महीने के लिए वो 90 डे का नॉन कंप्लीट क्लॉज लगाती है, और जब वो खत्म होता है तो वो किसी और कंपनी में जाके अपना डेब्यू कर सकते हैं। तो 2023 के दिसंबर के मंथ में जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है डॉब जिगलर का, मेरा कहने का मतलब है कि 90 डे का नॉन कंप्लीट क्लॉज है, वो खत्म हो चुका है। और गाइस, फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि कल के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट के एपिसोड में हमें डबल डेब्यू देखने को मिल सकता है। या तो मर्सिडीज मोने का कल होगा डेब्यू, या तो ऐसा हो सकता है कि निक नेमेस के नाम पे डॉब जिगलर का कल के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट के एपिसोड में फाइनली डेब्यू होने वाला है। और गाइस, मुझे नहीं पता कि कल के डायनामाइट के एपिसोड में किसका डेब्यू होगा, लेकिन हाँ गाइस, इतना तो तय है कि कल का जो डायनामाइट का एपिसोड होगा वो काफी ब्लॉकबस्टर होगा। किसी एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार का फाइनली ऑफिशियली कल के ऑल इलीट रेसलिंग के शो में वहां पे डेब्यू हो जाएगा। अब गाइस, देखना होगा गाइस कि हमें किस सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिलता है। देखो, वैसे काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सुपरस्टार मे भी मर्सिडीज मोने भी हो सकते हैं, लेकिन गाइस कुछ भी कहना मुश्किल है। साल का फर्स्ट डायनामाइट का एपिसोड है, अगर हमें डबल डेब्यू देखने को मिलता है गाइस तो काफी मजा आ जाएगा। 2021 में थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइंड करें तो गाइस हमें 2 डेब्यू देखने को मिलता है, ब्रायन डेनियलसन एंड एडम कोल का WWE से उनका AEW में डेब्यू होता है। तो हो सकता है गाइस कि साल के फर्स्ट डायनामाइट का एपिसोड में हमें कुछ यही वाला चीज एक बार फिर से देखने को मिल जाए, और 2 फॉर्मर WWE के सुपरस्टार एक बार में अपना AEW में डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं गाइस कि हमें क्या देखने को मिलता है। जो भी होगा गाइस काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइस, फाइटफुल सेलेक्ट का तो कुछ यही कहना है, या तो कल के डायनामाइट के एपिसोड में डॉब जिगलर का हमें निक नेमेथ के नाम पे डेब्यू देखने को मिलेगा, या सासा बैंक का हमें मर्सिडीज मोने के नाम पे डेब्यू होने वाला है। तो जो भी होगा गाइस, मैं आपको बता दूंगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।